हेलो एवरीवन, आइए आज हम फिर से एक बेबी फूड लाए हैं जो कि आप देख रहे होंगे। ये है एवोकाडो जो कि फैट्स एकदम भरा होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है बट और बहुत मुश्किल से भी मिलता है, लेकिन ये बेबी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि आप एवोकाडो को, बेबी को आप कैसे सर्व कर सकते हो, मतलब कैसे खिला सकते हो। मैं ये एवोकाडो को काट ली हूँ और इसमें एक बड़ा सा बीज होता है जो कि एकदम बीचों बीच होता है एवोकाडो के। ये आप देख सकते हो किस कुछ इस कदर का, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है, इसे फेंक देना है। हाँ, और जो ये क्रीमी है ना, टेक्सचर्स आपको दिखेगा, ये क्रीमी एकदम से क्रीमी है ये। और तो इसे निकाल लेना है, ये बीज का कुछ दाग है, दाग के जैसा है जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा होगा। और हमें इसे जो जितनी भी साइड में है ना, ये सारे क्रीम को निकाल लेना है और ये कुछ इस कदर से निकाल लेना है। ये काफ़ी अगर पका होना है वो काटो तो एकदम आसानी से निकल जाता है, आप एक स्पून के हेल्प से इसे निकाल सकते हो जैसे मैं निकाल रही हूँ। और ये एकदम एक अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन जाता है जो कि आप देख रहे होंगे। कुछ इस कदर से निकाल लेना है और ये आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से ये निकल चुका है। एक पतला सा बस ये लेयर रच गया है। कुछ एक कटोरी के अप्रॉक्स निकला है, देख सकते हो। और ये बहुत ही क्रीमी है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका। इसे आसानी से ये चम्मच से ही मैश हो जाता है। अगर आपसे नहीं हो रहा चम्मच से मैश, तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे मैश कर सकते हो, देख सकते हो। मैं बाकी का जो है वो मैं स्टोर करके रख दूँगी इस तरह के बॉक्स में, और जो मैं अभी बेबी इसको दे रही हूँ तो मैं निकाल लूँगी, ये मैं स्टोर करके रख देती हूँ ताकि उसे नेक्स्ट डे मैं दे सकूँ। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हो, मैं यहाँ उसको इतना मैश करके दूँगी। देख सकते हो हमारा अच्छे से मैश हो चुका है। रियांस को देखिए, एवोकाडो खाना है आपको? हाँ, लो ये देखिए, रियांस खा लो खा लो। रियांस का रिएक्शन एवोकाडो खा के, कैसा लग रहा है एवोकाडो, कैसा लग रहा है आपको? रियांस को अच्छा लग रहा है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।